रायबरेली में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने आज रायबरेली में बीजेपी प्रत्याशी दिनेश प्रताप सिंह के समर्थन में आयोजित प्रबुद्ध सम्मेलन में भाग लिया। रायबरेली रिफॉर्म क्लब में आयोजित प्रबुद्ध सम्मेलन में ब्रजेश पाठक ने राहुल गांधी पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी कुछ दिन पहले बकरा काट कर पकाने की विधि सीख रहे थे, जबकि सनातन संस्कृति में हम लोग जीव हत्या नहीं करते। लोकसभा चुनाव में सपा कांग्रेस गठबंधन को उन्होंने सुपर फ्लॉप गठबंधन बताया। उन्होंने कहा कि रायबरेली में सपा गठबंधन डिरेल हो गया है। यहाँ एक तरफा बीजेपी जीत रही है, कांग्रेस आपस में लड़ी हुई है। उनका यहाँ से लड़ने का मन ही नहीं था, जनता ने उन्हें नकार दिया है। रायबरेली और उत्तर प्रदेश की जनता से उन्हें कोई लेना देना नहीं है। विधि विधान से पूजन होता है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 11 दिन तक उपवास रखा और पूरे देश के धर्म स्थलों में घूम करके ऊर्जा देकर के रामलला के भव्य मंदिर का लोकार्पण किया। और ये सब एक नहीं गए, देवता पाकर के नहीं गए। समाजवादी पार्टी के नेता कहते हैं यहाँ जो जाते हैं वो पाखंडी है। अरे भाई, हम हो या आप हो, भारत में जो जो रहता है जन्म से लेकर मृत्यु तक राम राम ही होता है। जन्म हुआ तो माँ राम राम सिखाती है और मृत्यु हुई तो पीछे चलने वाले लोग राम नाम सत्य की बात करते हैं। और ये लोग बराबर हमारे सनातन धर्म पर अटैक करते हैं। समाजवादी पार्टी हो या कांग्रेस पार्टी के लोग हो, अभी समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता ने क्या कहा कि रामलला का भव्य मंदिर नक्शे के अनुरूप नहीं है, उसकी वास्तु के अनुरूप। अरे भाई, कृपया एक बार आप हिंदू धर्म को छोड़ करके जरा हमारे मुगल धर्म पर बोल करके दिखाओ। हिम्मत है तो दिखाओ कि मस्जिद टेढ़ी बनी है। हिम्मत नहीं है, ये वोट की पॉलिटिक्स करने वाले लोग हैं, इसलिए मैं आपके बीच में कहने के लिए। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का गठन देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।